यस नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीएस ऑनलाइन क्लासेस में। मैं दीपक दीक्षित। दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं टाइम एंड वर्क क्लास नंबर 2। जिन्होंने भी पार्ट नंबर फर्स्ट नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप पार्ट नंबर फर्स्ट को अच्छे से देख सकते हैं। दोस्तों जो भी हम टॉपिक आपके लिए लेके आ रहे हैं उनको हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, समझ रहे हो क्या? मतलब जिसकी भी मैथ्स बिल्कुल वीक है, ज़ीरो है, वो यहाँ से स्टार्ट कर सकता है। उसके बाद धीरे 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 हम लेवल को इंक्रीज करेंगे और मेंस लेवल तक हम इसको लेके जाने वाले हैं, ठीक है? मतलब जो भी क्लासेस चलेंगी अब आपकी कंटिन्यूसली यही चलेंगी कि बेसिक कराया जाएगा और बेसिक के बाद में आपको एडवांस कराया जाएगा। दोस्तों कॉन्सेप्ट के साथ साथ आज मैं आपको 10 क्वेश्चन भी कराऊंगा और उन 10 क्वेश्चन से जितने भी कॉन्सेप्ट्स क्रिएट हो सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप से, उनको अपन देखने वाले हैं। तो जो भी चीज़ मैं आपको बताऊं उसको नोट करें और कॉपी पेन जरूर लेके बैठें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, टाइम वर्क टाइप नंबर 2। दोस्तों आज का जो पहला क्वेश्चन है आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आज हम डिस्कस करने वाले हैं। बेसिक क्वेश्चन है कि ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज एंड बी इन 9 डेज, हाउ मैनी डेज विल बोथ टेक टूगेदर टू कम्प्लीट द वर्क। दोस्तों क्वेश्चन है कि ए एक काम को 6 दिन में करता है और बी उसी काम को दोस्तों 9 दिन में करता है, अगर वो दोनों मिल जाएं, अगर दोनों मिल जाए तो उस काम को कितने दिन में ख़त्म करेंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन है ए किसी एक काम को 6 दिन में कर रहा है, 6 डेज, यस या नो? और दोस्तों बी उसी काम को, सेम वर्क को 9 डेज में कर रहा है। तो अगर दोनों मिल जाए, मतलब ए प्लस बी अगर दोनों मिल जाए तो उस काम को कितने दिन में कितने दिन में पूरा करेंगे, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है? दोस्तों सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ए और बी जो काम कर रहे हैं वो कितना है, वो 1 है, 2 है, 10 है, 100 है या 500 है, यस या नो? तो एक ऐसा काम मान लीजिए, एक ऐसा नंबर मान लीजिए जो 6 से भी डिवाइड हो जाए और 9 से भी डिवाइड हो जाए, और उस नंबर को बोलते हैं हम दोस्तों, उस नंबर को हम बोलते हैं एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है दोस्तों? और दोस्तों एलसीएम निकालने की सबसे बेहतरीन ट्रिक्स है कि आप जिस भी नंबर्स के एलसीएम निकाल रहे हैं उन दोनों या तीनों या चारों नंबर में से जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसको पकड़ना है। दोस्तों 6 और 9 में से बड़ा क्या है, 9 है, और उसका पहाड़ा बोलना है। तो 9 एकम 9, 9 में 6 का भाग नहीं जाता है, 9 दुनी 18, दोस्तों 18 में 6 का भाग जाता है, तो आप बोल सकते हैं 6 और 9 के जो एलसीएम होंगे वो क्या होंगे दोस्तों, 18, और 18 ही को क्या मान लेंगे हम, टोटल वर्क, टी डब्ल्यू मतलब दोस्तों टोटल वर्क, ठीक है? अब जरा ध्यान से देखिए दोस्तों, ए 6 दिन में 18 काम करता है, आप 6 दिन में 18 लड्डू खाते हो, तो आपको एक दिन में कितने लड्डू खाने पड़ेंगे, सीधी सी बात है 3, भाई 6 दिन में 18 तो एक दिन में कितने, 3, मतलब ए एक दिन में 3 काम करता है, तो इसकी इफिशियंसी आ गई दोस्तों 3 वर्क पर डे, इसकी जो क्षमता है वो है एक दिन में 3 काम करने की। उसी तरीके से दोस्तों बी 9 दिन में 18 काम करता है, यस या नो? तो दोस्तों 9 दिन में कोई बंदा 18 काम करेगा, आप 9 दिन में 18 रोटी खाते हो तो एक दिन में कितने खाओगे, 2, तो बी की जो क्षमता आएगी वो आएगी दोस्तों 2 वर्क पर डे, यस या नो? ए एक दिन में 3 काम कर रहा था, बी एक दिन में 2 काम कर रहे थे, अब ये दोनों मिल गए, ए प्लस बी दोनों मिल गए, तो दोस्तों 3 प्लस 2 बराबर कितने होंगे, 5 वर्क पर डे। ए और बी अगर मिल जाए तो एक दिन में कितना काम करेंगे दोस्तों, एक दिन में 5 काम करेंगे, और इन दोनों को काम कितना करना है दोस्तों, 18 काम करना है, तो क्या बोलेंगे दोस्तों, ए प्लस बी अगर दोनों मिल जाएं तो 18 काम कितने दिन में करेंगे, 18 में कितने का भाग देंगे, 5 का, तो दोस्तों 5 थी या 15, 5 थ्री या 15, कितने रिमाइंडर बच गए, 3, 3 बटा 5 डे, 3 सही 3 बटा 5 डे, यस या नो? ये हमारा आंसर होगा। और दोस्तों ये जो आपका आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी में, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 3.6 डेज, वही बात है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ठीक है दोस्तों? जैसे ही स्क्रीन पे क्वेश्चन आए तो आपकी अप्रोच यही होनी चाहिए कि आप पहले इसको सोल्व करें, और अगर नहीं आता है तो डिटेल्स में उसका सोल्यूशन देके बहुत ही धीरे से पढ़ाने वाले हैं, स्लोली स्लोली, और अगर किसी को स्पीड धीरे लगे तो सेटिंग में जाके स्पीड 1.5 कर सकते हैं, ठीक है? बिकॉज दोस्तों सभी तरह के स्टूडेंट होते हैं, एक क्विक लर्नर होता है, एक स्लो लर्नर होता है, कैसे जानो, तो उनके हिसाब से हम लोग
आपको चीजें कराने वाले हैं, ठीक है। चलिए टाइम खराब नहीं करते हुए सीधा चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। और दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, इसको ध्यान से पढ़ना है और दोस्तों आपको पेन को भी साथ में रखना है। क्वेश्चन है ए बी एंड सी कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 24, 6 एंड 12 डेज रेस्पेक्टिवली, वर्किंग टुगेदर दे विल कंप्लीट द सेम वर्क इन, मतलब ए बी और सी किसी काम को क्रम से 24, 6 और 12 दिन में करते हैं। और दोस्तों अगर वो तीनों मिल जाएं, अगर वो तीनों मिल जाएं तो उस काम को कितने दिन में करेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो जो चीज़ आपको बताई जा रही है उसको ध्यान से देखेंगे। इस बार दोस्तों दो लोग नहीं हमारे पास में, हमारे पास में जो व्यक्ति आ गए वो आ गए तीन। दोस्तों ए करता है उस काम को 24 डेज में, 24 डेज, यस। दोस्तों बी करता है 6 डेज और दोस्तों सी करता है 12 डेज, यस या नो। और ये जो तीनों काम कर रहे हैं वो काम सेम है, वो काम क्या है दोस्तों, सेम वर्क है। तो हमें एक ऐसा नंबर मानना है जो तीनों से डिवाइड हो जाए। तो मैंने बताया था वो नंबर क्या होता है, LCM होता है। क्या होता है, LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो दोस्तों मैं 24, 6 और 12 के LCM निकालने हैं तो मैंने आपको तरीका बताया था किसी बड़े नंबर को पकड़ेंगे। तो सबसे बड़ा नंबर क्या है, 24, 24 से कम 24। दोस्तों 24 में 6 का भी भाग जाता है और 12 का भी भाग जाता है। तो हम दोस्तों 24 को क्या मान लेंगे, दोस्तों हम 24 को मान लेंगे हमारा टोटल वर्क, यस या नो। 24 इज टोटल वर्क, ठीक है, कुल कार्य। दोस्तों ए 24 दिन में 24 काम करता है तो एक दिन में एक काम करना पड़ेगा, वन वर्क पर डे। दोस्तों बी 6 दिन में 24 काम करता है तो एक दिन में 4 काम करना पड़ेगा, 4 वर्क पर डे। और दोस्तों सी 12 दिन में 24 काम करता है तो 2 दिन में एक काम करना पड़ेगा, 2 डेज, 2 वर्क पर डे। तो इसी तरीके से दोस्तों ए बी और सी की हम एक दिन की क्षमता निकालें, वन डे एफिशिएंसी, तो आएगी हमारे पास में 1 + 4 + 2, 7 वर्क पर डे। अगर दोस्तों ए बी सी तीनों मिल जाएं तो 7 दिन में एक काम खत्म, सॉरी एक दिन में 7 काम खत्म कर देंगे, यस या नो। और दोस्तों टोटल काम कितना करना है इनको, 24, यस या नो। तो हम बोलेंगे दोस्तों ए बी सी 24 काम, 24/7 डेज, मतलब 7 × 21, यस या नो। रिमाइंडर कितने बच गए, 3, तो क्या बोलेंगे, 3/7 डेज, 3/7 दिन, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, कैसे आनो। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फटाफट से। चलिए दोस्तों अब थोड़ा सा लेवल इंक्रीज करते हैं, ये एकदम बेसिक लेवल था, इसको आपको समझना जरूरी है। मतलब टाइम एंड वर्क में हमने एक बात सीखी कि सबसे पहले हमें क्या निकालना होता है, टोटल वर्क। कॉन्सेप्ट समझना, रटना नहीं है, चीज़ों को समझना है। मैथ्स क्या है दोस्तों, समझने की। अगर आपने लैंग्वेज समझ ली है, पैटर्न समझ लिया है, तो आपको कैसा भी क्वेश्चन दे दिया जाए तो आप तरीका कुछ ना कुछ निकाल देंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या है दोस्तों, कि टोटल वर्क निकालना। टोटल वर्क के बाद में दोस्तों इफिशियंसी, कि ये बंदा एक दिन में कितना काम करता है, बस आपका सोल्यूशन हो जाएगा दोस्तों। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। और दोस्तों क्वेश्चन नंबर थर्ड आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यान से देखिए और इसको पढ़िए, पेन को भी साथ में लेंगे और क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 72 डेज, बी एंड सी कैन डू इट इन 120 डेज एंड ए एंड सी कैन डू इट 90 डेज, इन हाउ मेनी डेज ऑल देयर टुगेदर कैन डू द वर्क। दोस्तों ए और बी किसी काम को 72 दिन में करते हैं और बी और सी 120 दिन में करते हैं और सी और ए 90 दिन में करते हैं। अगर दोस्तों तीनों मिल जाएं ए बी और सी तो इस काम को कितने दिन में करने वाले हैं, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का कॉन्सेप्ट क्या है। तो दोस्तों ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए, यस या नो। दोस्तों ए प्लस बी किसी काम को 72 72 दिन में कर रहे थे, यस 72 डेज। उसी तरीके से दोस्तों बी और सी 120 दिन में कर रहे थे, 120 डेज। और दोस्तों सी प्लस ए 90 डेज में कर रहे थे, यस या नो। तो सबसे पहले दोस्तों हमें यहां पे इनकी इफिशियंसी निकालनी होगी, यस या नो। तो इनकी इफिशियंसी निकालने के लिए हम किसको पकड़ेंगे दोस्तों, हम पकड़ेंगे बड़े वाले नंबर को, यस या नो, 120 को। और 120 का ऐसा टेबल लेना है जिससे ये 72 क्या हो जाए, 90 क्या हो जाए और 120 क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, यस। तो 120 से कम
120, यस या नो? 120 दूनी 240, तो दोस्तों देखो 120 में 90 का भाग नहीं जाता है, 240 में भी दोस्तों 90 का भाग नहीं जाता है, 120 दिया 360, यस या नो? दोस्तों 360 में 90 का भाग चला जाता है, लेकिन दोस्तों 360 में 72 का भाग नहीं जाता है। उसी तरीके से दोस्तों आगे बात करें, 120 चौका 480, दोस्तों 480 की बात करें तो 480 में हमारा जो 90 का भाग देंगे 480 में तो नहीं जाएगा, तो 12 पंजू 60 मतलब 600, 120 पंजा 600, दोस्तों 600 में हम देने लगेंगे जब 90 का भाग, तो 90 का डिवाइड करेंगे तो देखो साफ साफ नहीं जाने वाला है, यस या नो? तो अगर आपको ऐसे दिक्कत आए कि एलसीएम नहीं निकल रहा है, अगर आपको ऐसे दिक्कत आए कि यार इसका एलसीएम क्या होगा, यहाँ पे एलसीएम नहीं निकल पा रहा है, तो आप बेसिक कॉन्सेप्ट को भी फॉलो कर सकते हैं। इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि 72 को लीजिए, उसके बाद 90 को लीजिए, उसके बाद दोस्तों 120 को लीजिए, यस या नो? तो दोस्तों हम यहाँ पे लेंगे तो 72 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 72 को लिख सकता हूँ दोस्तों मैं 2 × 9, 9 दुनी 18, 18 दुनी 36 दुनी 72, ऐसे ले सकते हो आप। 9 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, हम 9 को लिख सकते हैं यहाँ पे 2 × 3 × 5, 5 दिया 15, 15 ती 45, 45 दुनी 90, और 120 को लिख सकते हैं दोस्तों 2 × 2 × 3 × 5, 5 ती 15 दुनी 30, 30 दुनी 60, 60 दुनी 120, जैसे है नो? फिर आपको क्या पकड़ना है, सबसे छोटा नंबर 2, और 2 मैक्सिमम कितना है 3 टाइम, तो क्या बोलेंगे 2 × 2 × 2 की पावर 3, उसके बाद सेकंड लेंगे 3, दोस्तों 3 कितने टाइम मैक्सिमम, 2 टाइम है मतलब 9, ओके। उसके बाद दोस्तों 3 के बाद में क्या है हमारे पास में, 5 है, तो क्या बोलेंगे 5, 9 × 45 × 8 = 45 × 8, 8 × 40 = 4, 8 × 4 = 32, 32 + 4 = 36, यस या नो? तो क्या बोलेंगे इसका जो एलसीएम आएगा वो दोस्तों हमारा निकल के आएगा 360, क्योंकि दोस्तों हमने 2 लिया 3 टाइम, 2 × 3 = 8, उसके बाद में हमने दोस्तों 3 लिया 2 टाइम, 3 × 3 = 9, उसके बाद दोस्तों हमने लिया यहाँ पे बच गया आपका 5 वन टाइम है, 5 × 15 = 30, 60 × 120, 5, 9 × 45 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 × 40 = 0, 8 × 32 + 4 = 36, तो मतलब जो टोटल वर्क निकल के आएगा दोस्तों वो हमारा जो निकल के आएगा वो आएगा 360, जैसे आनो? अब फटाफट आप इसकी क्या निकाल लीजिए, इफिशियंसी, इसकी इफिशियंसी क्या होगी कि कोई व्यक्ति एक दिन में 72 काम करता है, जैसे आनो? कोई व्यक्ति एक दिन में 72 काम करता है तो दोस्तों एक दिन में कितना करेगा, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए 72 × 5 = 360 होते हैं, देखो 5 × 2 = 10, 0 = 1, तो क्या आएगा इसका 5 वर्क पर डे, दोस्तों 120 दिन में 360 काम हो रहा है तो एक दिन में 3 काम होगा, 3 वर्क पर डे, और दोस्तों 90 डेज में 360 हो रहा है तो क्या बोलेंगे 4 वर्क पर डे, कैसे आनो? और आप सीधा भी निकाल सकते थे इसको कि 36 में 360 में 90 का भाग जा रहा है और 72 का भी जा रहा है, ठीक है? तो वो पैटर्न जो अब इससे पहले बताया था आपको वो बेसिक पैटर्न था कि अगर आप फंस जाएं कि यार हो नहीं रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कैसे निकालें, तो वो बेसिक पैटर्न अभी आपको बताया था उसको फॉलो कर सकते हैं, और अगर आप नहीं फंसे डायरेक्ट करना चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है? तो दोस्तों यहां पे इफिशियंसी निकल के आई a + b की b + c की और दोस्तों c + a की, जैसे आनो? a + b b + c c + a की इफिशियंसी निकल के आई दोस्तों 5 × 3 = 4, 5 × 3 = 4, तो क्या बोलेंगे हम यहां पे, हम बोलेंगे दोस्तों यहां पे 12 वर्क पर डे, दोस्तों 12 वर्क पर डे ए बी सी की नहीं आई है, a + b b + c c + a की आई है, तो जरा गौर कीजिए 2 टाइम a है, तो a को लिख सकता हूं मैं 2a, दोस्तों b 2 टाइम है तो लिख सकते हैं 2b, दोस्तों c 2 टाइम है तो लिख सकते हैं 2c, इक्वल्स टू 12 वर्क पर डे, यस या नो? और दोस्तों यहां से 2 कॉमन ले लेंगे और 2 कॉमन लेने के बाद उधर डिवाइड कर देंगे तो a b c क्या आएगा हमारे पास में 6 वर्क पर डे,
दोस्तों ए बी सी एक दिन में सिर्फ 6 काम करते हैं, कितना काम करते हैं, 6 काम करते हैं, ठीक है। जब प्रैक्टिस कर लोगे तो फिर इसको सीधा आप आधा कर दिया करो, यहां पे जो आता है ना ए प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस, इसको क्या कर दिया करो, हाफ कर दिया करो, बिकॉज लास्ट में यहां पे 2 कॉमन आएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो अभी ये समझाने के लिए था, लेकिन आपको इतना लॉन्ग प्रोसेस नहीं करना है, आपको स्टार्टिंग में यहां पे देख लेना है 12 है तो 12 का आधा क्या होगा, 6 होगा, तो क्या बोलेंगे 6 वर्क पर डे एबीसी। टोटल वर्क कितना है दोस्तों, 360, तो क्या बोलेंगे ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल जाए तो 360 काम को कितने में करेंगे, 360 डिवाइड बाय 6, तो 6 संगा 36, तो क्या बोलेंगे 60 डेज, 60 डेज, यस या नो। और 60 डेज किस ऑप्शन में दोस्तों, 60 डेज आपका ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से, उसके बाद हम नेक्स्ट पैटर्न की ओर चलते हैं और लेवल को थोड़ा सा और इंक्रीज करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ की ओर चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फोर, चीजों को नोट जरूर करें बिकॉज हमारा जो ब्रेन है दोस्तों रिवीजन मांगता है, तो रिवीजन के पर्पज से आपको चीजों को नोट करना है। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों, ए और बी किसी काम को 15 दिन में और 10 दिन में करते हैं और दोस्तों ने 30,000 रुपए कार्य करने का ठेका लिया है, तो कुल राशि में से ए का हिस्सा क्या होगा। अब जो क्वेश्चन आया है वो ये नहीं आया है कि कितने दिन में काम खत्म होगा। अब जो आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन है दोस्तों वो ये कह रहा है कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है, सॉरी 15 दिन में करता है और बी 10 दिन में करता है, और इस काम को करने के लिए उन्हें 30,000 रुपए दिए जाते हैं। तो दोस्तों आपको यहां पे निकालना था कि ए को उसमें से कितना हिस्सा मिलेगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ए एक दिन में कितना काम कर रहा है और बी एक दिन में कितना काम कर रहा है। जो जितना काम करेगा उसको उतना ही अमाउंट मिलने वाला है, ठीक है। तो चलिए इधर आइए, क्वेश्चन नंबर हमारा ये है फोर, क्वेश्चन नंबर फोर है हमारा कि ए किसी काम को 15 डेज में कर रहा था, हमें अभी काम नहीं पता है कि काम क्या है, और दोस्तों जो बी है वो उसी काम को 10 दिन में कर रहा था, ठीक है। और जो प्रोजेक्ट मिला है अमाउंट वो मिला है दोस्तों 30,000, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हमें टोटल वर्क मानेंगे। टोटल वर्क क्या मानेंगे, कोई भी बड़े नंबर को पकड़ेंगे, 15 को पकड़ेंगे, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, टोटल वर्क क्या गया दोस्तों 30, ठीक है। ए 15 दिन में 30 काम कर रहा था तो एक दिन में दो काम करेगा, बी 10 दिन में 30 काम कर रहा था तो एक दिन में तीन काम करेगा। ए और बी का रेशियो आ गया, ए करता है एक दिन में दो काम और दोस्तों बी करता है एक दिन में तीन काम, ठीक है। तो टोटल यूनिट कितनी है दोस्तों, 2 + 3 = 5 यूनिट, ठीक है, समझ पा रहे हो क्या। ए एक दिन में दो करता है और बी एक दिन में तीन करता है, तो अगर रेशियो में बात करें, यूनिट में बात करें, तो टोटल यूनिट है दोस्तों 3 + 2 = 5 यूनिट, और 5 यूनिट का अमाउंट में जो नंबर है वो कितना है दोस्तों 30,000, यस या नो, 30,000। तो दोस्तों एक यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे हम, क्या आएगा हमारे पास में, डिवाइड करेंगे 5 × 30, 6,000 दोस्तों, 1 unit = 6,000, किसका निकालना है, ए का हिस्सा। दोस्तों ए के पास 2 यूनिट है, एक यूनिट का मतलब 6,000, तो 2 का मतलब क्या बोलेंगे दोस्तों, 2 यूनिट का मतलब बोलेंगे हम 12,000, क्या बोलेंगे, 12,000 रुपए ए के हिस्से में आएंगे, मतलब आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल राइट है, ठीक है दोस्तों। तो काफी सिंपल सा क्वेश्चन था, बस कॉन्सेप्ट को समझना है, कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है। चलिए अब थोड़ा सा अलग लेवल लेते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों, इसको अच्छे से पढ़िए और सोल्व करिए। क्वेश्चन है पी कैन कंप्लीट 1/4 ए वर्क इन 10 डेज, क्यू कैन कंप्लीट 40% ऑफ द सेम वर्क इन 145 डेज, आर कंप्लीट 1/3 ऑफ द वर्क इन 13 डेज, एस 1/6 ऑफ द वर्क इन 7 डेज, हु विल बी एबल टू कंप्लीट द वर्क फर्स्ट। मतलब इनमें से कौन सबसे पहले काम को खत्म करेगा। पी किसी काम के 1/4 भाग को 10 दिन में कर रहा था, तो दोस्तों ध्यान से देखना है, क्वेश्चन नंबर 5 है ये और काफी अच्छा क्वेश्चन है कि पी किसी काम के 1/4 भाग को, दोस्तों 1/4 क्या होता है दोस्तों, 1/4 होता है 25%, परसेंटेज की बात करें तो 1/4 क्या होता है 25%, 25% को दोस्तों वो खत्म कर रहा था 10 दिन के अंदर, कितने दिन के अंदर दोस्तों, 10 दिन के अंदर, ठीक है। और दोस्तों जो दूसरा है क्यों,
दोस्तों क्यों 40% 145 दिन में कर रहा था, ठीक है। उसके बाद हम बात करें दोस्तों, नेक्स्ट है हमारे पास में आर 1/3 काम, 1/3 काम कर रहा था 13 डेज में, ठीक है, 13 दिन में। और दोस्तों जो लास्ट वाला है एस, वो 1/6 काम, 1/6 काम कर रहा था दोस्तों 7 दिन में, ठीक है दोस्तों। और आपसे बोला गया कि सबसे पहले काम को कौन खत्म करेगा, तो एक बात तो पक्का है कि जो क्यों है वो सबसे पहले काम खत्म नहीं करेगा, क्योंकि दोस्तों ये 40% ही 145 दिन में कर रहा है, 40% ही 145 दिन में कर रहा है, तो काम को ये बहुत ज्यादा दिन लगाने वाला है, करीबन ये जो आपका आंसर आएगा 300 प्लस आने वाला है, ठीक है, तो ये तो कैंसिल। अब जरा ध्यान दीजिए, 1/4 10 दिन में हो रहा है, तो पूरा काम कितने दिन में होगा, 40 दिन में, ठीक है, तो इसका तो क्या आ गया 40। दोस्तों 1/3 13 दिन में हो रहा है, तो क्या बोलेंगे दोस्तों, 39 दिन में कंप्लीट होगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों काम का तीसरा हिस्सा, काम का तीसरा हिस्सा 13 दिन में हो रहा है, तो दोस्तों 33% 13, तो 66% कितना हो गया आपका, आपका ये हो गया करीबन 26, और दोस्तों कंप्लीट वर्क कितना होगा 39। उसी तरह दोस्तों एस कर रहा है 1/6 काम 7 दिन में, तो क्या बोलेंगे कितने दिन में करेगा, 42 डेज, जैसे है ना, तो आप क्या कर लिया करो, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया करो, 6 × 7 = 42, 13 × 3 = 39, 10 × 4 = 40, यस या नो। अब आप साफ साफ बता सकते हैं कि कौन करेगा, दोस्तों साफ साफ दिख रहा है कि आर सबसे कम समय लगा रहा है, कितने दिन, 39 डेज, तो क्या बोलेंगे इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, कि आर सबसे पहले इस काम को खत्म करेगा दोस्तों। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो आपको कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में जो हमारी नेक्स्ट क्लास हो रही है, क्लास नंबर 3, उसमें हम लेवल और इंक्रीज करने वाले हैं, धीरे धीरे जिस भी टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं उन सभी क्वेश्चंस को क्लियर करेंगे। तो दोस्तों ऐसे ही खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हो तो अपने दोस्तों में भी शेयर करें, जिससे कि उनको भी हेल्प हो सके, कि एग्जाम में आपको आपके उनके सामने भी कोई क्वेश्चन आए तो मिस्टेक नहीं करें, ठीक है, क्योंकि सबका साथ सबका विकास जरूरी है, ठीक है। और एक कवि ने बहुत अच्छी बात कही है, वो कहता है कि कोई भी बात पर कभी घमंड नहीं करना है और कभी भी उदास भी नहीं होना है, कि मंजिलों के आगे मंजिल अभी और भी हैं, मंजिलों के आगे मंजिल अभी और भी हैं, ये दौर नहीं दौर आखिर अभी और भी है, मत उलझ के रह जाना जीत के फूल और हार के कांटों में, मत उलझ के रह जाना जीत के फूल और हार के कांटों में, जिंदगी के रास्ते आपके वास्ते अभी और भी है। तो कभी घमंड नहीं करना है किसी भी बात के लेके, और कभी भी उदास नहीं बैठना है, ठीक है, तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।